आज दवाई लेके आया हूँ मैं हॉस्पिटल से, जो है अपने वाले हॉस्पिटल से। ये दारू का डॉक्टर दिख भी रहेगा नहीं बहन, कल लौड़ी साली की फोटो दिख रहा है इसको। यार किसी को सेट करो। तो दारू का डॉक्टर आ गया है अपनी वही लड्डू ब्रांड लेके हैसियत वाला। और ये आप देखें तो मैंने दारू के रिव्यू के लिए अभी सोडा की पेटी एडवांस ले ली है, और भगवान की कृपा से दारू भी आ ही जाएगी। तो इसको खोलते हैं, कड़क। इस बार मैं इसको चेंज करके दूसरे शहर से लेके आऊँ, यहाँ अच्छी नहीं लगती मेरे को। तो थक गया हूँ मैं, इस पर इसकी ठीक लगे। इसमें ऑफिस से चॉइस तो 120 रुपये में अभी रेट बढ़ गया थोड़ा हरियाणा में। बढ़ाते हैं एक पैक, एक साल से मैं गायब, और इसका टेस्ट क्या घंटा होगा। ऐसी दारूओं का टेस्ट ना पूछा करो कभी भी। ये दारूएं नीट पीने वाली तो बिल्कुल नहीं होती, सोडा वोडा डाल के पियो और बिल्कुल इसमें हल्की स्मेल आ रही है, जैसे एक तेज भपका है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें। मेरे को पता था ये मैं अब ओरिजिनल गोडाउन से ले गया हूँ उनके, यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ जो है वो मिलावट वाली मिलती है। ये दारू कलर भी बहुत ठीक है इसका, ये लाइट यार। इसमें डालते हैं पेटी से निकाल के एक खारा। यार आप बिस्लेरी का सोडा ही पिए जब भी विस्की के साथ पिए, तो बाकी किले विले ना लें। बस थोड़ा पानी इतना डाल लें, ज्यादा नहीं। तो काफ़ी महीने से मेरा चैनल जो है अभी बंद पड़ा था, मैं बंद ही कर दिया था और वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था मैं। लेकिन हालांकि मैं दारू पी रहा था, बहुत ज़्यादा पी रहा था, एडिक्ट हो गया था दारू का। तो उसकी वजह से फिर दारू मैंने छोड़ भी दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी डेली पीने वाली। कैमरा भैंचो मेरा ट्राइपॉड टूट गया, ऐसी पन्नी भी भैंचो। तो इसलिए दिल नहीं करता था बनाने का कि क्या घटिया काम कर रहे हैं बहन जो लोगों को दारू पिलानी सिखा रहे हैं। इसलिए अब इसका लगाते हैं भैरव बाबा जी को छट्टा का पूरा इसी में डाल लेंगे। तो वाकई ऑफिसर चॉइस को सबसे घटिया कहता था मैं, लेकिन इस बार मैं जब गोडाउन से लेके आया स्पेशली मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा यार तुम्हारी दारू ठीक नहीं मिलती है जो ब्रांचेज में, मेरे साथ गड़बड़ कर जाते हो। तो इस बार स्पेशल मैं बोतल लेनी थी, मैंने कहा क्वार्टर दो तुम्हारा दारू सही नहीं है। 5 किलोमीटर दूर गया सिर्फ इसी चक्कर में, पिछली बार पी थी जो अभी कुछ 5-6 दिन पहले, और ये क्वार्टर तो मैंने फेंक दिया होगा। बहुत फ़र्क है, बहुत खारा ठंडा भी नहीं है बिल्कुल, अभी फ्रिज नहीं है, फ्रिज मेरा सड़ गया है सारा सामान बिजली का, और मौसम भी थोड़ा अभी गर्मी सी तो है, लेकिन फिर भी बहुत स्मूथ लग रही है। हालांकि ऐसी सस्ती दारू में ये चीज़ें नहीं देखी जाती, इसको घटक नशा ही करते हैं लोग, लेकिन नशा भी करना है धीरे से करो, आराम से करो, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया एंजॉय करो लाइफ को। बहुत बिल्कुल आराम से जा रही है, बिल्कुल गले में फील ही नहीं हो रहा। जो पिछली बार मैंने पी ऑफिसर या दूसरी भी जो है, तो यही है कि मिलावट वाली जेन्यून। मैं ये बता दूं कि मैंने उत्तराखंड में, मुझे डिफेंस वाली वहाँ पे ज़्यादातर यही मिलती है, ठेका वेका तो है नहीं, तो वहाँ मैंने ली थी, वहाँ 300 रुपये का क्वार्टर मिलता है आप देख लो। तो ठेके में भी इसका रेट मेरे ख्याल 160-170 रुपये, ऐसे 80 रुपये है, ठेका तो दूर है। वही सेम जैसे आर्मी वाली जो है, वो वाकई नहीं, वो तो नहीं दे रही इसने बहन चौध ने, इतने तो ये बहन चौध ऐसे है नहीं।
लेकिन माल में बहुत बढ़िया इस बार आया है, एकदम शानदार आया है। जितना मैं जैसे अभी ड्रिंक कर रहा हूँ, हल्का हल्का एक एक सिप भी ले रहा हूँ, 4-5 मिनट ही हो रहे हैं, और उसमें एक अच्छी फील आने लगी माइंड में, जो हल्की हल्की सी यू नो जैसे एक रिलैक्स फील हो रहा है, तो अच्छा लगने लग गया। तो अभी नई जगह जाने का प्लान है, नई जगह मतलब यहाँ से दूसरे घर में जहाँ वो दारू के लिए बनाया, लेकिन अभी वो गड़बड़ हो गई है। बहुत एकदम बढ़िया, मैं कहता हूँ बिल्कुल बढ़िया एकदम, क्योंकि आज मैं पैके एक या दो ही लगाने वाला हूँ, इसलिए कुछ खाने का साथ में चिकन विकन कुछ भी नहीं लिया, मैं कम ही खाता हूँ अंडा, नमकीन तो वैसे ही ले लिया मैंने, तो चलो वैसे ही थोड़ा बहुत खाया जाता है। चिप्स नीचे पड़े हैं, चिप्स मैं खाता नहीं, तो वेंचर क्यों गया। तो नंबर वन दारू है, आप नंबर वन दुकान से खरीदें, अपने जेन्युइन कोई शॉप है जो भी है, आप मॉल से खरीदते हैं या छोटे शहर में रहते हैं तो ठेका होता है, यानी ठेके के बाहर लिखा रहता है ठेका शराब अंग्रेजी, ठेका शराब देसी, तो उस हिसाब से आप एक अपने जान पहचान वाले से खरीदें, क्योंकि इस चीज़ में मिलावट बहुत हो जाती है। हालांकि देसी में तो 90% मिलावट होती है, इसमें भी जो है 20-25% 30% आती है मिलावट। मैंने इतना इसमें, मुझे पहले लोग बोलते थे जो रेगुलर पीने वाले प्रोफेशनल है, जिनको 20-30 साल हो गए, वो दारू बता देते थे पी के। और दूसरी चीज़ मैंने देखी, स्टेट टू स्टेट क्यों टेस्ट का फर्क होता है, इसी कारण होता है, कई स्टेट में मिलावट नहीं होती है, इसी के कारण टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है, और टेस्ट ही नहीं मतलब उसके अंदर नशे का भी फर्क हो जाता है। अभी उसमें क्या पता क्या मिला दिया क्या नहीं पानी, तो इस चीज़ को आप चेक करके पिए, शराब बदनाम हो जाती है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब वीडियो डालता रहूँगा मैं जल्दी से जल्दी। और दशहरा भी आ गया है, और दशहरे पे बनाएंगे एक वीडियो, और देखते रहें दारू का डॉक्टर चैनल, जल्दी आऊँगा मैं, आज मेरा एक दो पैक और लगाना है, देखेंगे उसके बाद खाना ही खाएँगे सीधा।